सभी को सुबह की प्यारी प्यारी सी गुड मॉर्निंग। मैं हूं अनुज, आपका दोस्त। तो भाई आज हम सुबह सुबह जल्दी उठ गए, अभी 5 बजे का टाइम हो रहा है। रात को अपने देखा हम रास्ते पे सोए थे, तो आगे भाई जो जगह है शैतानी नाला। तो पहले मैंने सोचा ब्लॉग को लेट स्टार्ट करूँ वहाँ पे पहुँच कर, पर नहीं भाई, अब तो सुबह हो गई है तो आप व्यू को मिस कर लोगे। तो बाकी जो भाई व्यू है वो तो एक आएगा आएगा, और भाई ब्लॉग पे भी बता दूँ हम कहाँ कहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि आई मेरे को लगता है कि अगली बार ना हम यहाँ से नहीं आएंगे, अगली बार टनल से ही आएंगे। तो भाई यहाँ पे ना ठंड भी का है, 9 डिग्री टेम्परेचर है भाई। अब जम्मू में तो भाई 35-36 चल रहा है, यहाँ पे 9, तो काफ़ी फ़र्क है, उस वजह से काफ़ी ठंड है। ट्रक भी सुबह सुबह चल चुके हैं, अब धीरे धीरे लाइन लग चुकी है गाड़ियों की, बस अपनी गाड़ी भी हो गई है स्टार्ट। हमने अपना काम कर लिया सब। ये आ गया शैतानी नाला। अब इसका नाम शैतानी नाला क्यों है इसका तो मुझे भी नहीं पता, पर यहाँ पे भी ऐसा है, वो आगे देखना है कि वो पूरा सीमेंट का बनाया है, ऊपर से भाई पहाड़ी से बर्फ़ आया करती थी तो पूरी पूरी गाड़ी को नीचे बहा के ले जाती थी। यहाँ पे भाई चाय वगैरह मिलती है, तो भाई यही सीमेंट का वो बना हुआ है। देखो अब गाड़ियाँ आने और जाने वाले दोनों गाड़ियों के ऊपर से ही, क्योंकि भाई ऊपर वाली साइड से काफ़ी बर्फ़ आती थी भाई, तो बर्फ़ की वजह से पूरी गाड़ी नीचे आ जाती थी, काफ़ी गाड़ियों के चेसेस नीचे पड़े हुए आते हुए। यहाँ पे हुई दिन हुआ तो मैं जब उस साइड होऊंगा वहाँ से हम आ रहे होंगे ना, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि वहाँ पे नीचे गाड़ियाँ एक्सीडेंट पड़ी हैं, तो इसलिए बनाया कि गाड़ी की सेफ्टी बनी रहे और बर्फ़ की वजह से गाड़ी नीचे खाई में ना चली जाए। इसके बाद भाई आएगा बनाल टनल, तो चलते हैं टनल पे, जवाहर टनल भाई, सॉरी जवाहर टनल। आ गया अपना जवाहर टनल, पर ये बिल्कुल सिंगल टनल है, पर फिक्स टनल। तो यहाँ पे आर्मी वाले वीडियो नहीं बनाने, तो वीडियो में जाके बनानी पड़ेगी। आ गए हम टनल के अंदर, क्योंकि बाहर में थोड़ा वो आर्मी के कुछ रूल्स हैं, तो वीडियोस नहीं बनाने देते भाई, तो उनके रूल्स भी देखने पड़ते हैं ना भाई। ये बिल्कुल फिक्स टनल है, गाड़ी अगर थोड़ी बहुत इधर उधर करते हो तो आपके टायर पटरी के साथ डिवाइडर से लग जाएंगे, टायर फटने का पता रहेगा बड़े ध्यान से भाई। ये जो टनल है ना ये 2.5 किलोमीटर है, तो अगर भाई जो नया टनल का उद्घाटन हुआ है ना कल, आपने अगर मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा, तो अगर हम भाई वहाँ से आते हैं ना तो हमें इस टनल में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो हम सारी जहाँ पर हम रात को सोए हैं शैतानी नाला आपने देखा, हमें वहाँ पर बिल्कुल इस एरिया में आने की जरूरत नहीं है। वो बनारस सिटी से ही भाई एक टनल है और वो सीधा काजीगुंड से बाहर है, तो उससे हमारा काफ़ी सफ़र भाई बचेगा। टनल हो गया ख़त्म, क्योंकि 2.5 किलोमीटर का टनल है, लंबी अगर पूरी बनाएंगे तो वीडियो लंबी हो जानी है। तो पिछली बार हम लास्ट टाइम आए थे ना भाई, तो यहाँ पे आगे 5-5, 6-6 फुट बर्फ़ पड़ी थी, उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा, आप वो वीडियो जरूर देखना, क्योंकि आप एक बार इस जगह को देख लो और जब आप वो वीडियो देखोगे आप कोई जगह पहचान ही नहीं पाओगे भाई, पूरी बर्फ़ 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 ही बर्फ़। भाई अब टनल के बाद ना हम डाउन उतर रहे हैं सारा, तो भाई ये वही मोड़ हैं कुछ जिस पे भाई सर्दियों पे बर्फ़ हो जाती है, कोहरा जम जाता है और गाड़ी चलना बहुत ही मुश्किल होता है, गाड़ी चढ़ती नहीं है भाई ऊपर। और देखो भाई कैसे ओवरटेक कर रहे हैं मोड़ पे, भाई थोड़ा ध्यान से करना चाहिए ना। चलो 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 भाई, भाई यही मोड़ है ना यहाँ पर गाड़ियाँ स्लिप होती, सबसे मेन तो यही मोड़ है ना, यहाँ पर कोहरे पे गाड़ी पूरी घूम जाती है, और घूम के अगर बच गई तो बच गई, नहीं तो खाई में चली जाएगी नीचे। लोड गाड़ी भाई घूमती है, इधर लोड लेके भी टायर घूमते हैं, तो भाई बस वो टनल का उद्घाटन हो गया, अब सर्दियों में भाई कोई डिफिकल्टी नहीं रहेगी, गाड़ियाँ आराम से आएंगी। पहुँच गए हम नाके पे, जैसे उधमपुर नाका है ना भाई जी, यहाँ से गाड़ियाँ नहीं छोड़ते, तो भाई ये भी एक वैसा ही नाका है, यहाँ से जम्मू जाने के लिए भाई गाड़ियाँ सब वेटिंग पर खड़ी हैं, ये पैसेंजर ट्रक्स भाई आपको बहुत सी गाड़ियाँ मिलेंगी। और भाई इसके आगे कई नाके पड़ते हैं सर्दियों में, तो भाई यहाँ पे लाखों मतलब हज़ारों के हिसाब से भाई बहुत गाड़ियाँ होती हैं, 30-30, 40-40 किलोमीटर भाई गाड़ी होती है ऊपर देखो भाई। तो भाई यहाँ पे सभी ट्रक वगैरह छोटी गाड़ी, सबसे पहले छोटी गाड़ी को छोड़ा जाएगा आज शाम को, अगर हमारी गाड़ी भाई आज सुबह मॉर्निंग पे या दिन पे खाली हो जाती है तो भाई शाम को तो हम भी वापस जम्मू जा सकते हैं, नहीं तो भाई हमें कल का दिन रुकना पड़ेगा, परसों होगी हमारी वापस से गाड़ी यहाँ से कार्रवाई।
तो भाई यहाँ इस कार्रवाई का मतलब ये नहीं है कि भाई आर्मी कार्रवाई होगी भाई, ये मतलब गाड़ियाँ एक इकट्ठी गाड़ी छोड़ते हैं यहाँ से। आगे देखो ऊपर ट्रक वगैरह लगे हुए हैं, देखो भाई टैंक भी रुके हुए हैं, टैंक का भी ले सीजन चल रहा है ना, और छः चक्का गाड़ी सब ले जा रही है अभी, क्योंकि भाई छः चक्का से ऊपर वाली गाड़ी ले नहीं जा सकती ना। टनल बना उसका रास्ता ये आ गया भाई, ये उसकी भाई रोड है टनल की, यहाँ से बाहर आएगा टनल, वो तो काफ़ी एरिया भाई काट हो जाएगा उससे, यहाँ से आगे रोड भी ठीक है सारा। अभी भाई बंद किया होगा, पता नहीं क्या चक्कर हो गया। काजीगुंड बाईपास आ गया, काजीगुंड जो सिटी है, तो भाई यहाँ पे भी गाड़ियाँ लगी हुई हैं लाइन पे, देखो पूरा वेट कर रही हैं गाड़ियाँ जाने का, श्रीनगर से जम्मू जाने का, भाई बहुत गाड़ियाँ होती हैं, और जब बर्फ़ पड़ती है भाई चार चार पाँच पाँच जब रास्ता नहीं खुलता तो भाई क्या बताऊँ फिर हम, फिर कितनी लंबी लंबी लाइन है भाई, यहाँ से 50-50 किलोमीटर आपको ऐसी गाड़ियाँ दिखेंगी। हम भी जब भाई खाली करके आते हैं, हम भी किसी लाइन में ऐसे खड़े रहते हैं। आ गया भाई दूसरा नाका, यहाँ से भी आगे गाड़ी में काफी लाइन होगी, भाई पूरा बोर्ड आ गया आगे जहाँ पे बसें वगैरह रुकी हैं टूरिस्ट जो जा रही हैं जम्मू को। बाकी ट्रकों की तो लंबी लाइन कब से लगी रही कतार, आज शाम को एक गाड़ियाँ सभी छोड़ी जाएंगी। और भाई आप सोचो सिर्फ एक दिन की गाड़ियाँ हैं, अभी हम कल आए हैं तो कल शाम परसों शाम को यहाँ से गाड़ियाँ छोड़ेंगे, कल का दिन गाड़ियाँ नहीं छोड़ी, और एक दिन में देखो कितना ट्रक इकट्ठा हो गया है जाने के लिए। पहले हमको पुलवामा जाना था, फिर हमने पार्टी वाले को फ़ोन किया वगैरह छुपाइयाँ आना आपको, तो हमको छुपाइयाँ जाना पड़ेगा। अभी भी टाइम भाई 6:30 का हो रहा है, हमने भी जल्दी जल्दी उठ के चल पड़े भाई, वही लालच रहती है गाड़ी खाली हो जाए एक दिन और टूटेगा नहीं, तो चलते हैं भाई देखते हैं आगे का सीन क्या बनता है। ट्रकों की लाइन तो ख़त्म होने वाली नहीं है, जितना मर्जी आप चलो। देखो भाई अपने ही मालिक की दूसरी गाड़ी 54 चक्की वो लगी हुई है, काफ़ी गाड़ियाँ होंगी भाई, क्या नंबर है इसका 9712। तो भाई वहाँ से अंदर आ गए मेन रोड से, अब एक लिंक रोड में चल रहे हैं, तकरीबन 22-23 किलोमीटर चलना है, फिर छुपाइयाँ पहुँच जाएंगे हम। अब भी मैप पे चल रहे हैं, और भाइयों कुछ कश्मीरी भाइयों से रास्ता पूछा, उन्होंने यही बताया, अब देखते हैं भाई आगे, यहाँ पे तो रास्ता ठीक ही चल रहा है अभी तक। ये बार होता है भाई जब रास्ता टाइट हो जाता है बड़ी दिक्कत हो जाती है, उसके बाद ना गाड़ी में उठती है ना कुछ। ये हैं सेबों के बाग, अब छुपाइयाँ आ देखे भाई, देखो सभी सेबों के पेड़ हैं, ये दोनों तरफ रोडों पर सेबों के सेब ही सेब के पेड़, अभी तो छोटे छोटे सेब हैं भाई, अभी 2-3 महीने का सेब सीजन स्टार्ट हो जाएगा, ये सब सेब 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 ही सेब है भाई। ये देखो भाई इतना आपको दिखाई दे रहा है, सब सेबों के पेड़ दिखाई दे रहे हैं भाई जी। भाई यहाँ पे पहुँचा था, वहाँ पे हम पहुँच गए, अब यार वो पार्टी वाले फ़ोन नहीं उठा रहे, बड़ी दिक्कत है, पता नहीं कब तक उठाते हैं, तो बड़ा गंदा रास्ता था, बड़े टाइट रास्ते से आए अब हम भी। आ गई अपनी मुगल रोड, यहाँ से देख लो भाई अपना रजौरी मेरा घर यहाँ पे है, वो 129 किलोमीटर यहाँ से शॉर्ट है, वहाँ से 14 चक्कर जाती नहीं है ना, रास्ता थोड़ा गंदा है। तो भाई वहाँ से भी हम आगे आ गए मार्केट से भी, जो वो छुपाइयाँ था मेन बाज़ार, ये हम किसी लिंक रोड में आ चुके हैं अंदर, तो यहाँ पे भाई डिग्री कॉलेज है वहाँ पीछे, तो बट जो पार्टी का माल है वो कह रहे हैं डिग्री कॉलेज में, डिग्री कॉलेज के आसपास की गाड़ी खाली होनी है, तो यहाँ हम रुके हुए हैं, तब तक भाई अपना बना रहे खाना, चावल और भाई कड़म का साग, साग और चावल चलेंगे आज, तो खाना बना लेते हैं तब तक, आई होप आए तो गाड़ी लगवाएं, शायद कुछ कहा नहीं जा सकता, गाड़ी अनलोड भी हो सकती है, अगर अनलोड होगी तो फिर अच्छी बात है भाई, हम वापस शाम को निकल जाएंगे। साग के लिए अपना तड़का हो चुका है तैयार ऑलमोस्ट, हल्दी मिर्ची वगैरह निकाल के रख दी, साग अपना हो रहा, वेट भी कर रहे हैं जब तक भाई आता तक खाना बन जाए ठीक रहेगा। हम पहुंच गए अपने मंजिल पे, तो भाई गाड़ी लगी अनलोड पे, तो ये बात भी अच्छी हुई, कल हम आए ना आज गाड़ी अनलोड हो जाएगी, तो हमारी शाम को फिर से कार्रवाई हो सकती है। तो ये रही पेपर मिल, यहाँ पे गाड़ी अनलोड हो रही है, ये भाई इनका माल है ये, तो देखो अब भाई गाड़ी लग गई है प्रोसेस पे,
जस्ट अभी स्टार्ट हुई हमने तरपाल, एक तरपाल हमने वो फेंक दिया है, वो गीला था, उसको अभी करते हैं क्लोज, एक ऊपर रख दिया है। तो बस भाई भी कपड़े बिल्कुल गंदे हो गए, पहले खाना बनाना है, उसका तरपाल वगैरह फोल्ड करके खाना खा के आराम से फिर नहाना धोना है। तो ये अपने भाई भी रजौरी के हैं, ये भाई भी रजौरी के हैं अपने, मतलब सभी अपने यहाँ पे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो लग गया अनलोडिंग प्रोसेस पे, हमें अपना काम पूरा करना है। पहले ब्रेकफास्ट बनाते हैं, फिर खा पी के फिर तरपाल शपाल फोल्ड करते हैं। रेडी होगी, चावल रेडी हो रहे हैं। तो एक भाई आए, उन्होंने चाय, और ये है ना श्रीनगर की मशहूर चीज़ है भाई, इसको बोलते हैं भाई गिरदे। तो हम भी काफ़ी खाते बंदे, नाम याद नहीं रहता भाई, बड़े सही चीज़ होती है, मतलब ये हर सीज़न मिलती है, क्योंकि यार यहाँ पे अभी भी ठंड है। मैं आज नहाने का सोच रहा था पर कैंसिल कर दिया भाई, ठंड बहुत है, मुँह दूँगा कपड़े दूँगा बस भाई, बाकी नहाएंगे जम्मू जाके। ऑलमोस्ट लोड हो गई, थोड़ी सी रह गई है। तो खाना अपना बन गया, साग और कड़म है, साग नहीं भाई कड़म है यार, कड़म और चावल, कड़म भी तो साग ही होता है यार। तो भाई खाना खा लेते हैं फिर गाड़ी, देखो भाई यहाँ पे बिल्कुल टाइट से गाड़ी घुमाने की जगह भी नहीं, बस गेट से किसी घर के अंदर घुसाएंगे थोड़ी, फिर बाहर, फिर अंदर करते करते गाड़ी हम ले जाएंगे वहाँ से बाहर, तो बस फिर चलेंगे लाइन पे, होप शाम तक गाड़ियाँ छोड़ दे भाई। अभी भी अनलोडिंग प्रोसेस स्टार्ट है, टाइम भाई 4 बजने वाले हैं यार, थोड़ा लेट कर दिया भाइयों ने, तो अभी आधे घंटे का काम रह गया यार, क्योंकि भाई यहाँ से हम आए हैं, वहाँ जहाँ से जिस रास्ते से आए ना, वहाँ से खाली गाड़ी जाएगा नहीं, खाली गाड़ी भाई रिवर्स करनी पड़ेगी तो भाई फंस जाएगी गाड़ी, हमको पता है, इसलिए ना हम लंबा घूम के जाएंगे। तो भाई 7-8 बजे तक कानवाई सारी छोड़ेंगे, अभी कानवाई छोड़ी भी है जम्मू से, श्रीनगर से जम्मू जाने के लिए, अगर भाई कानवाई होगी तो ठीक है, नहीं तो फिर भाई कल जब परसों का दिन फिर यहाँ से श्रीनगर रुकना पड़ेगा। अब देखते हैं भाई, ऐसे ही छोड़ते हम गाड़ी यहाँ से घुमाएं, एक तो भाई बहुत ही टाइट गली पे आए ना भाई, यहाँ पे देखो यहाँ पे इस जगह से गाड़ी हमारी घूम नहीं सकती, कच्चा है। अब उस गेट के अंदर ले जाएंगे गाड़ी को रिवर्स करके, वहाँ से करने की ट्राई करेंगे, वहाँ से घुमा के गाड़ी ले जाएं, तो भाई फिर जल्दी जल्दी जाएंगे। बस जहाँ से हमको भाई मुगल रोड बहुत शार्ट पड़ता है भाई, पर मालिक हमें वहाँ से, वहाँ की परमिशन नहीं है, वो रूट नहीं है सही माना जाता ना, तो कानवाई से जाना पड़ेगा। आई होप यार कानवाई हो जाए ना, फिर रात पूरी चलेंगे वापस जम्मू, फिर नेक्स्ट ट्रिप। अपनी गाड़ी होगी पूरी अनलोड, बस भाई फटे लगा दी, डाला करना है बंद, तो चलते हैं भाई। अपनी गाड़ी के तरपाल, छोटे वाला रस्सा और ये बड़े वाला तरपाल, जिसमें मैं खड़ा हूँ, अनलोड मैं डाला बंद करना है, यहाँ से जगह कम है, यहाँ से अंदर करेंगे गाड़ी को उस कार तक, फिर भाई वहाँ से राइट को लेना है, तो हम पहुँच जाएंगे आगे मेन रोड पे। प्रयास कर भाई, गाड़ी मुड़ी है पत्थर शत्थर डाल के, तो बस अभी निकल रहे हैं बाहर, बिल्टी लेनी है अभी भाई वहाँ से बाहर, तो भाई अब चलते हैं आगे। हाँ जी, कश्मीर में भी चावल वगैरह काफ़ी लगाए जाते हैं, देखो चावलों की खेती हुई है, तो वो पार भाई जो है ना वो सेब हैं सारे, सेब के पेड़, मतलब जब से सुबह से हम चल रहे हैं तो सेब ही सेब दिखाई दे, पर भी छोटा सेब, बिल्कुल छोटा छोटा भाई, देखो सेब को बच्चों है, बच्चा है मतलब बच्चों है, तो भाई पानी बहुत मिलेगा आपको, इतना ठंडा पानी है ना भाई, गंदा पानी भाई, नाले देखो नाले का गंदा पानी है, और भाई अगर थोड़ा सा ही पीते हैं ना तो गला दर्द स्टार्ट हो जाता है भाई, कोशिश है अब भाई। सुबह का मुंह अभी धोया, तो गाड़ी वो भाई की, उसके पीछे भाई अपनी गाड़ी वहाँ पे लगी है, तो भाई क्या ठंडा पानी, बहुत ठंडा भाई, दो मिनट पीछे पाँव में दर्द स्टार्ट हो गया, पानी ठंडा पानी है, तो बस अब गाड़ी का भी, गाड़ियाँ भी पैसेंजर गाड़ियाँ छोड़ी हैं, बड़ी गाड़ी नहीं छोड़ी, तो बस थोड़े सफर रह गया हमारा, हम 4 लाइन में पड़ जाएंगे 10-12 किलोमीटर के बाद, तो फिर आज शाम को कानवाई बीते जम्मू। टाइम 5:30 हो चुके हैं, अपनी 4 लाइन हमारी आ गई, आते हुए हम यहाँ से आए थे इसी कट से नीचे, हम हमको पहले इधर को जाना है घुमा के वापस 4 लाइन पे गाड़ी चलानी है, इधर जाना भाई इस तरफ, चलो 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 भाई, चलो 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 भाई, चलो 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 चलो, बस भाई चलो, चलो भाई जी, वहाँ से आए आप पहुँच के अपनी लाइन पे, यहाँ पे ना गाड़ियों की लाइन मतलब स्टार्ट है, वेट करें कब तक गाड़ी छोड़ते हैं, और देखो आप लाइन यहाँ से स्टार्ट हो गई है, तो हम भी आके रुक के, बाकी व्यू देखो भाई कितना सही है आसमान का भाई, वेट कर रहे हैं अभी 10 बज गए हैं, गाड़ियाँ कब छोड़ेंगे कब छोड़ेंगे, तो भाई कुछ कुछ गाड़ियाँ यहाँ से आगे निकल रही हैं, हम तो अपनी लाइन में खड़े हैं, लाइन से आगे जा रही हैं, अब भाई पता नहीं छोड़ी हैं या क्या सीन हो रहा है, डबल लाइन हो रही है भाई, डबल लाइन हो रही है मतलब गाड़ियाँ छोड़ेंगे ज़रूर,
भाई वेट ही कर रहे हैं, तभी ब्लॉग को भी ख़त्म नहीं कर रहे भाई कि छोड़ें तो आपको भी दिखाएं। अभी खाना भी नहीं खाया भाई, तो भाई भी सोए में रेस्ट करेंगे, मुझे रात पूरी चलना है ना फिर। तो मैं तब से फ़ोन ही चला रहा था, यहाँ से काफ़ी देर से काफ़ी ट्रक जा रहे, नींद भी नहीं आ रही, पास से गाड़ी निकल रही है ना अपनी, गाड़ी पूरी लाइन में, वो आगे तक लाइन है भाई, अभी तक तो गाड़ियाँ छोड़ी नहीं। मैं भी काफ़ी देर से वेट कर रहा था कि गाड़ियाँ छोड़ें तो ब्लॉक को आगे बढ़ाऊँ, पर भाई अभी ना 12:30 हो चुके हैं, तो मैं भी लगा सोने रेस्ट करने से ब्लॉग को यहाँ पे एंड करेंगे। अब देखते हैं मॉर्निंग में गाड़ियाँ जब भी छोड़ेंगे न्यू ब्लॉग मेरे को दिख जाएगा। तो इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार ऐसे बनाए रखें।